सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत सन 1299 में हुई थी और यह 1923 ईस्वी तक चली। यह दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाली मुस्लिम रियासत थी, जिसकी शुरुआत और राजनीतिक केंद्र पश्चिमी एशिया का अनातोलिया रहा है। उस्मानिया हुकूमत यूरोप से लेकर अफ्रीका और मध्य एशिया तक 3 कॉन्टिनेंट पर फैली हुई थी। इसका क्षेत्र का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस्मानिया सल्तनत के खत्म होने पर इससे 47 देश बने। सल्तनत उस्मानिया के द्वारा ही बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हुआ, जिसने कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर हजार साल राज किया था। सल्तनत उस्मानिया से पहले सेल्जूक रियासत अनातोलिया पर राज किया करता था, जो कि कमजोर पड़ चुका था। तब ताई कबीले के अर्तुगरुल गाजी ने अपने 400 घुड़सवारों के साथ सेल्जूक रियासत को फतह दिलाई, जिसके बदले में उन्हें सऊद नामक जगह इनाम दी गई। अर्तुगरुल गाजी के बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी फतह और सूझबूझ के किस्से उस्मान गाजी द्वारा बताए गए थे। उनकी जागीर सऊद को ही बाद में आजाद रियासत घोषित कर उस्मानिया सल्तनत की नींव उस्मान गाजी ने रखी। अर्तुगरुल का नाम मंगोलों के कई आक्रमण के दबाने के लिए भी याद किया जाता है। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।